1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम आज भी दर्शकों के दिलों में समाई हुई है। इस फिल्म के बेहतरीन गाने, एक से बढ़कर एक डायलॉग और एक नहीं बल्कि दो बेहतरीन लव स्टोरीज हम सभी को आज भी याद हैं। फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन की बेहतरीन एक्टिंग थी और इस फिल्म के कलर्स, कॉस्ट्यूम, गाने, बातें, राजस्थानी परंपराएं, सब कुछ इतना नया सा था कि आज भी फिल्म देखो तो बस मन रम सा जाता है और लगता है कि बस देखते रहो यार, है ना। ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम इसे पहले भी कई बार देख चुके हैं। क्यों, कितनी बार देखी है आपने ये फिल्म, जरा कॉमेंट सेक्शन में बताओ। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाले हैं और इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। अब दोस्तों, आपको ये वाला सीन तो याद होगा जब ऐश्वर्या राय गुस्से में खूब सारी हरी मिर्ची खाते हुए नजर आती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीन को शूट करने से पहले सलमान खान ने उसी हरी मिर्च को टेस्ट करके देखा था और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि सलमान खान उस वक्त ऐश्वर्या राय से प्यार करते हैं। प्यार में लोग क्या नहीं करते हैं यार, यहाँ तो सलमान ने हरी मिर्ची बस खाई है, आगे तो इन्होंने बहुत कांड करें। खैर, उस समय सलमान खान उनके हर छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखते थे क्योंकि प्यार जो करते थे। दोस्तों, हम दिल दे चुके सनम के सेट पर ही सलमान और ऐश्वर्या का प्यार परवान चढ़ा था और दोनों उस दौर में बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल माने जाते थे। लेकिन बाद में ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हो गया और 2002 में ब्रेकअप से पहले ऐश्वर्या ने सलमान खान पर मारपीट और फिजिकली अब्यूज करने के आरोप लगाए हैं। इसके 5 साल बाद 2007 में उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। और साथ ही अगर बात करें फिल्म के लोकेशन के बारे में तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय का जो महल दिखाया जाता है उस महल की शूटिंग लोकेशन विजय विला पैलेस गुजरात में हुई थी। और दोस्तों, अगले बिहाइंड द सीन में आप देखेंगे कि इस फिल्म के डायरेक्टर ऐश्वर्या राय को कुछ सीन समझाते हुए नजर आ रहे हैं और बाद में यही सीन हमें एक सॉन्ग में देखने को मिलता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म में ऐश्वर्या राय से पहले नंदिनी के किरदार के लिए संजय लीला भंसाली के पास दो नाम थे, पहला करीना कपूर और दूसरा मनीषा कोइराला। इसी दौरान राजा हिंदुस्तानी के प्रीमियर पर भंसाली और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात हो गई और फिर क्या, ऐश्वर्या ने भंसाली से उनकी फिल्म खामोशी की तारीफ की थी और संजय उनकी आवाज पर फिदा हो गए थे। ऐश्वर्या की खूबसूरती और आवाज को देखते ही भंसाली ने उन्हें नंदिनी का रोल देने का फैसला कर लिया। और इस मूवी का ये सीन तो आपको याद ही होगा ना, जब सलमान खान ऐश्वर्या राय का घर छोड़कर जा रहे होते हैं और इस सीन को कुछ इस तरह से फिल्माया गया था जिसके बाद ऐश्वर्या राय अपना हाथ काटते हुए नजर आती है। फिल्म के एक सीन को फिल्माने के दौरान ऐश्वर्या राय को झूमर से चोट लग गई थी। इसी बीच इस फिल्म का गाना निबुड़ा निबुड़ा शूट किया जाना था और ऐश्वर्या ने पैर में गंभीर चोट होने के बावजूद भी गाना शूट किया था और इस गाने में ऐश्वर्या के डांस की तो भाई क्या ही कहें यार, चौतरफा तारीफ हुई थी। फिल्म का ये सॉन्ग काईपोचे तो आपको याद ही होगा ना, और इस फिल्म में इस गाने के अंदर सलमान खान पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म में किसी भी VFX या फिर CGI का यूज नहीं किया गया था यार, ये सारे के सारे सीन्स एकदम रियल और ओरिजिनल थे। जी हाँ, मूवी का ये वाला सीन जब ऐश्वर्या की शादी अजय देवगन के साथ होने वाली होती है और इस बात से सलमान खान बिल्कुल बेखबर होते हैं और जब सलमान खान को ये रियलाइज होता है कि सलमान खान ऐश्वर्या राय से प्यार करते हैं तो वो सबसे ज्यादा उदास दिखाई देते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वाले सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था और ये वाला सीन उस टाइम का है जब सारी फैमिली एक साथ लंच कर रही होती है और सलमान खान उन्हें एंटरटेन कर रहे होते हैं। इस फिल्म के कई सारे सीन्स में सलमान खान आसमान की ओर देखते हुए अपने दिवंगत पिता से बातें करते हुए नजर आते हैं। ये सीन असल में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की उस आदत से प्रेरित था जिसमें वो बचपन में आसमान की तरफ देखकर अपने पिता से बातें किया करते थे। फिल्म में वनराज का रोल निभाने वाले अजय देवगन भी भंसाली की पहली पसंद नहीं थे। भंसाली ने पहले इस रोल के लिए आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और अनिल कपूर और अक्षय कुमार का नाम सिलेक्ट किया था, यानी कि लगभग सबको ही उन्होंने दिमाग में रख लिया था। हालांकि सभी ने किसी न किसी वजह से मना कर दिया और आखिर में जाकर ये रोल अजय देवगन को मिला। फिल्म के आखिरी में दिखाया गया है कि नंदिनी अपने प्यार समीर को छोड़कर वनराज से शादी कर लेती है और सलमान खान को फिल्म का ये क्लाइमैक्स नहीं जचा था। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने बताया कि अगर वो फिल्म की कहानी लिखते तो एंडिंग में समीर और नंदिनी को मिलाते। सलमान के मुताबिक प्यार सभी रीति रिवाजों से ऊपर होता है। अब आपको बता दें कि भंसाली की ये फिल्म मैत्रेयी देवी के बंगाली उपन्यास ना हनियाते पर आधारित थी। हालांकि फिल्म में इसे क्रेडिट नहीं दिया गया और फिल्म की शूटिंग गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में हुई थी, जबकि कुछ सीन बुडापेस्ट में शूट किए गए थे जिसे फिल्म में इटली के रूप में दिखाया गया था। हम दिल दे चुके सनम की खास बात यह भी थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई थी और इस फिल्म ने उस दौर में 51 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था जबकि फिल्म का बजट महज 16 करोड़ रुपए था। यही नहीं,
रिपोर्ट्स के मुताबिक हम दिल दे चुके सनम ने विदेशों में भी 8.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस्माइल दरबार ने हम दिल दे चुके सनम से ही बॉलीवुड में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर डेब्यू किया था और फिल्म के गाने चांद छुपा बादल में और तड़प तड़प को आज भी खूब पसंद किया जाता है। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट पर जब सलमान ने पहली बार तड़प तड़प गाना सुना तो वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे। उन्होंने सेट पर जोर जोर से चिल्लाते हुए इस्माइल दरबार से पूछा था कि ये गाना किसने बनाया है, बताओ मुझे। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइए कि आपने हम दिल दे चुके सनम को कितनी बार देखा है। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।